हेलो डियर लीगल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी स्टेट का जुडिशियल प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों, ये आपको हर स्टेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे चलें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी को भी प्रेस करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन किसका? सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। देखिए, सीआरपीसी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे लीगल सिस्टम में, तो सबसे ज़्यादा लोग जो अफेक्ट हैं किसी कोड से, किसी एक्ट से, तो वो सीआरपीसी है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये 1974 का एक्ट नंबर 2 है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आई थी और ये बताती है कि जो दंड किसी को दिया जाता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी को दंड देना है तो भैया दंड कैसे दिया जाएगा, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी। संहिता की हम बात कर चुके हैं, कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले भी बात की थी। एक्ट होता है जब कोई पर्टिकुलर एक लॉ या स्टैट्यूट पार्लियामेंट पास कर देती है, लेकिन कोड होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जो आपके सोसाइटी में है या जो आपके अभी चल रहे हैं जो एक्ट, ऐसे कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाई जाती है, जिसे हिंदी में संहिता और इंग्लिश में कोड कहा जाता है। तो आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं आपसे डैम श्योर बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सीआरपीसी में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं पूरा सीआरपीसी नहीं बताऊँगा, पर मैं इसमें बताऊँगा कि सीआरपीसी को पढ़ना कैसे है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सबसे पहले इसके स्केल्टन को समझते हैं कि इसे डिवाइड कैसे किया गया है। टोटल 37 चैप्टर्स हैं, 37 चैप्टर्स हैं और जितने कि इसमें 484 सेक्शंस दिए गए हैं, यानी 484 सेक्शन को 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसके साथ इसमें दो स्केड्यूल आ जाते हैं, एक फर्स्ट स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल आपका बात करता है किसके बारे में, ये देखिए आपको सेक्शंस बताएगा, सेक्शंस के बाद उसके ऑफेंस बताएगा और उसके बाद उसका पनिशमेंट बताएगा कि पनिशमेंट कितना होता है, और इन तीन चीज़ों के अलावा ये क्या बताएगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या फिर वो नॉन कॉग्निजेबल है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो कौन सा कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है, ट्राइबल बाय विच कोर्ट। तो फर्स्ट स्केड्यूल मैं कहूँगा कि आप इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए जो इस सेक्शंस दिए हैं ना और जो ऑफेंस बताए गए हैं और जो पनिशमेंट बताई गई है, इसका लेना देना सीआरपीसी से नहीं है, ये आपके आईपीसी की चीज़ें बताई गई हैं फर्स्ट स्केड्यूल में। तो फर्स्ट स्केड्यूल को पहले ज़रूर पढ़ें, इससे आपको सीआरपीसी पढ़ने में, समझने में बहुत ईजी रहेगा। वैसे हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि हमें वो समझ में अच्छे से आएगा। तो ये देखिए तीन चीज़ें जो आ जाती हैं, ये फर्स्ट स्केड्यूल में आईपीसी की हैं और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सीआरपीसी की हैं। फिर एक सेकंड स्केड्यूल होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जितने टाइप के फॉर्म्स अवेलेबल हैं सीआरपीसी में वो सारे के सारे सेकंड स्केड्यूल में दे रखे हैं। ये तो एक बेसिक स्केल्टन हो गया जो आपको पता होना चाहिए, अब इसको समझते हैं। देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डियर स्टूडेंट्स, जो पहली बार सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सीआरपीसी है क्या। तो भाई 1973 में हमने कहा कि सीआरपीसी आई, तो उससे पहले क्या सीआरपीसी नहीं थी? आईपीसी तो हमारी बहुत पहले आ गई थी, 1862 में हमारी आईपीसी आ गई थी। तो उससे पहले कैसे होता था? तो देखिए 1861 में ही सीआरपीसी की बात हो गई थी कि सीआरपीसी बनेगी। 1882 में पहली बार फर्स्ट टाइम सीआरपीसी बनी, 1898 में उसको अमेंड कर दिया गया, ठीक है। तो सीआरपीसी का सफ़र देखिए 1898 से फिर वही चलता आया अप टू 1973। फिर 1973 में क्या होता है, 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, और ये कौन सा लॉ कमीशन था, ये आपका 5th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था।
और इसी लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट के ऊपर आपका सीआरपीसी बना दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1974 को इसमें एसेंट मिल जाता है। हमने बात की थी दो डेट होती हैं किसी भी एक्ट की, एक एसेंट की होती है और एक आपकी इन्फोर्समेंट की होती है। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में डिफरेंस हम पहले भी सारे वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। तो भैया 26 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट साहब ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और ये बिल जो है एक्ट बन गया, उस दिन पास हो गया ये उस दिन। ये 1974 का एक्ट नंबर 2 था। अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ऑन विच डेट सीआरपीसी केम इनटू द फोर्स, तो आपको बताना है कि इट केम इनटू द फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। तो आप इसको 1 अप्रैल ऐसे याद कर सकते हैं कि अप्रैल फूल से है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये डेट याद होनी चाहिए। और 26 जनवरी को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो भाई कानूनी दिन है, ठीक है, तो इस दिन तो 26 जनवरी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, 1974 का एक्ट है ही, और 1 अप्रैल भी आपको याद रहेगा। ये तो होगी इसकी बेसिक चीज़ें। अभी देखिए आपके सामने एक बहुत ही महान व्यक्ति की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। इनका नाम है KVK सुंदरम साहब। देखिए KVK सुंदरम साहब जो हैं ये बहुत, मैं तो कहता हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी हुए हैं। संस्कृत के बहुत अच्छे गाता थे ये, संस्कृत में इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। कालिदास जी की कई सारी रचनाओं को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब आप कहेंगे कि पढ़ तो हम सीआरपीसी रहे हैं, आप हमें संस्कृत और कालिदास के बारे में बता रहे हैं, हिंदी लिटरेचर थोड़ी चल रहा है। जी नहीं, इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ सेक्रेटरी थे, ये याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया KVK सुंदरम साहब। सीआरपीसी से क्या लेना देना वो भी बात करेंगे। दूसरा ये सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। अब इनका सीआरपीसी से क्या लेना देना है, सीआरपीसी से इनका बहुत कुछ लेना देना है। असल में आपका सीआरपीसी इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि ही चेयर्ड द 5th लॉ कमीशन। ओके, और 5th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 41st रिपोर्ट, वो इन्हीं की देन है, और उसी के बेसिस पे आपका सीआरपीसी बना था। आप पता लगा हम केवी के सुंदरम साहब की बात क्यों कर रहे थे। और दूसरा क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी महान विभूतियों को हमें जानना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी कुछ उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो देखिए जो इंडिया के स्टेट्स को लैंग्वेज बेस पे जो डिवाइड किया गया था ना, वो वाइट पेपर इन्होंने ही बनाया था कि कैसे इंडिया को लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड किया जा सकता है। प्रोफेसर भी रहे, सिविल सर्वेंट थे, तो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। और हमारी सीआरपीसी से जो इनका लेना देना है, क्योंकि ये 5th लॉ कमीशन को में थे और इन्होंने 41st रिपोर्ट इनके द्वारा दी गई थी, जिसके बेस पे सीआरपीसी बनाया। तो KVK सुंदरम साहब ने बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से सीआरपीसी को बनाया है। देखिए हम लोग कहते हैं कि भाई अर्ली रिचार्ड ने CPC बना दी, हमने वो पढ़ा, मैकोलो ने IPC बना दी, मैकोले की IPC हम पढ़ते हैं। तो हमारे इंडिया में तो भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आज हम उनके बारे में जानना चाहिए। चलिए ये तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, बट आपको पता होना चाहिए, ये आपको बहुत कहीं नहीं मिलेगा कि किसने लिखा था, किसने बनाया था, किसकी रिपोर्ट पे ये आया है, ये बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है आपको। अभी हम नेचर ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। तो भाई जो सीआरपीसी का नेचर है ना, ये आपका प्रोसीजरल नेचर है सीआरपीसी का। जिसने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे उसको नेचर ऑफ लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया, फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे दो तरह के लॉ होते हैं आपके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लॉ। लॉ यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है आपका सब्सटेंटिव, दूसरा होता है प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव का रोल होता है कि ये आपके लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ को डिसाइड करता है, और प्रोसीजरल का काम होता है कि जो ये सब्सटेंटिव लॉ ने बना दिया इसको कैसे करना है,
प्रोसीजर बताएगा, सब्सटेंटिव लॉ को मोशन में लेकर आता है आपका प्रोसीजरल लॉ। तो यहाँ पे जब हम क्रिमिनल लॉ की हम बात कर रहे हैं तो आईपीसी जो है ये आपका सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन पिनल कोड बताता है कि कौन से ऑफेंसेस होंगे और किन ऑफेंसेस की कितनी पनिशमेंट होगी, ये तो आईपीसी ने बता दिया। लेकिन अगर सीआरपीसी ना हो तो उसको सज़ा कैसे देंगे, सज़ा भी तो देनी पड़ेगी ना, कैसे सज़ा दी जाएगी, कौन सज़ा देगा, पुलिस अपना काम कैसे करेगी, मशीनरी अपना काम कैसे करेगी, हाउ टू एक्टिवेट द मशीनरी टू स्टॉप द क्राइम। भाई आईपीसी ने तो बता दिया क्राइम क्या है, बट हाउ वी विल स्टॉप दैट क्राइम, वी विल स्टॉप दैट क्राइम थ्रू सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि आईपीसी को क्या करेगा, मोशन में लेकर आएगा। भाई किसी ने थेफ्ट कर दी है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान दे दिया आईपीसी ने 378 में, तो इसको बताएगा कौन, आपका सीआरपीसी, कि कितने भाई सजा को कैसे दिया जाएगा, किस तरह से पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, पुलिस की पावर क्या रहेंगी, कोर्ट की पावर क्या रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसीजरल लॉ में बताई जाती हैं। हमने कहा कि भाई प्रोसीजरल है सीआरपीसी, तो क्या ये पूरी की पूरी प्रोसीजरल है, नहीं, कुछ सब्सटेंटिव पार्ट भी हैं इसमें, जैसे कि आपका सेक्शन 97 और 125। 97 को नोट कर लें, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है रिसेम्बलेंस ऑफ, क्या रिट का रिसेम्बलेंस है, हबीस कॉर्पस, तो ये हबीस कॉर्पस को मिनी हबीस कॉर्पस भी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है बिना अथॉरिटी के तो सेक्शन 97 में के थ्रू एप्लीकेशन दी जा सकती है कोर्ट में, आपको रिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका व्यक्ति तुरंत बाहर आ जाएगा जेल से। 125 किसकी बात करता है, ये बात करता है मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस टू वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसकी बात करता, और एक चैप्टर आ जाता है 29, और चैप्टर 29 भी आपका जो है यहाँ पे अपील्स की बात करता है, ये भी एक सब्सटेंटिव पार्ट है, ये आपको बताता है कि अगर आप अपील कैसे करेंगे, जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था अपील के बारे में वैसे ही। चलिए यहाँ तक तो आपने समझा एक बेसिक स्केल्टन को, अभी एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। आप लीगल स्टूडेंट हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अधिवक्ता हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप तो भी पढ़े लिखे हैं, आपको कानून की समझ है। एक आम आदमी को अगर समझाना है, देखिए सीआरपीसी जो है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो केवीके सुंदरम साहब ने यहाँ पे बनाया, कि सबसे पहला क्या है यहाँ पे, कि भैया जो ट्रायल है ना वो फेयर होना चाहिए, फेयर ट्रायल होगा तभी काम चलेगा। दूसरा क्या है, ट्रायल स्पीडी भी होना चाहिए, डिले इनजस्टिस इज एज गुड एज डिनाई इनजस्टिस, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। और तीसरा इन्होंने कहा कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर शुड नॉट बी देयर, भाई ये भी नहीं होना चाहिए कि आम आदमी समझ ही ना पाए। तो इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आपकी सीआरपीसी बनी है। अब इसको हम समझते हैं, अभी इसको हम बिल्कुल एक आम सिंपल भाषा में समझेंगे। देखिए सीआरपीसी को जनरली डिवाइड किया जाता है 3 तरह से, प्री ट्रायल क्या होता है, ट्रायल में क्या होगा, और पोस्ट ट्रायल क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं एक आम आदमी के तौर पर, एक व्यक्ति आपके पास आता है, कोई एक व्यक्ति है बेचारा, इसके साथ कुछ गलत हो गया है, इसके साथ क्या हो गया, क्राइम हो गया है, और वो क्राइम डिफाइन है आईपीसी में, कुछ भी क्राइम हो सकता है, आम आदमी है, लेमैन है, इसको नहीं पता है। ये क्राइम होने के बाद आपसे पूछता है कि मैं क्या करूं, तो आप इसको सबसे पहले क्या सजेशन देंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम बात करेंगे, तो आप इसको कहेंगे भाई आप एक काम करो, पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो भाई इन्फॉर्मेशन टू पुलिस दो, आप क्या दो, इन्फॉर्मेशन दो पुलिस को, यानी आप देसी भाषा में क्या कहेंगे कि भाई एक काम कर, तू इसकी FIR करवा दे, क्या करवा दो, FIR किसके पास होगी, पुलिस के पास होगी। तो पुलिस को आप इन्फॉर्मेशन दे दो, तो चैप्टर 12 इसी की बात तो करता है,
154 में अगर कॉग्निजेबल है और 155 में अगर नॉन कॉग्निजेबल, तो इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाएगी पुलिस को? यही तो बताया गया है वहाँ पे। एक आम व्यक्ति कुछ क्राइम होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे FIR कहा जाता है। FIR CRPC में डिफाइन नहीं है कहीं, इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। इसको इन्फॉर्मेशन टू दी पुलिस कहा जाता है। अगर कॉग्निजेबल है तो 154 में और नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 में। भाई अभी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या आ गया, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिस वाला, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं कर सकता। तो भाई इस व्यक्ति को तो पता नहीं ना कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। ये काम पुलिस का है कि वो देखे कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अब मान लेते हैं कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, हमने मान लिया कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक वर्ड आ गया हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 आपका इन्वेस्टिगेशन की बात करता है पूरी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगी, ये करे सौंप देगी किसको? ये पुलिस रिपोर्ट देगी, जिसको आप कहते हो ना कि चालान पेश कर दिया पुलिस ने भाई। तो ये पुलिस रिपोर्ट किसको देगी? मजिस्ट्रेट को देगी। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे पुलिस रिपोर्ट के बाद? किसके पास पहुंची पुलिस रिपोर्ट? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब उसके लिए इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे। इशू ऑफ प्रोसेस की सेक्शन 204 बात करता है, मतलब कि भाई उसके खिलाफ भाई जो वारंट वगैरह निकालना है या फिर उसके समन भेजने हैं, जैसा भी करना है, वो सारी कार्रवाई आप यहाँ पढ़ेंगे वो करेगी। उसके बाद दोनों का एग्जामिनेशन किया जाएगा, पार्टीज का, विटनेस का, एविडेंस लिए जाएंगे, चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, ट्रायल चलेगा, जजमेंट दे दी जाएगी। तो ये तो देखिए एक आम बात में आपने पूरी CRPC तो समझ ली, यही तो आपका CRPC है। अब आपने दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझी। पहला आपने समझा कि भाई कहीं पुलिस लाइन में आ गई। पुलिस के बाद आपने समझा कि यहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट साहब भी कहीं पे थे, और ये सारा काम हो किसके लिए रहा था? कोई एक व्यक्ति है जिसको हमने कह दिया विक्टिम, जिसके साथ गलत हुआ। किया किसने गलत? एक्यूज्ड ने। तो भाई विक्टिम और एक्यूज्ड, पुलिस और मैजिस्ट्रेट। अभी देखिए कानून को समझने का तरीका सबके हिसाब से अलग होगा। विक्टिम समझेगा अपने हिसाब से, एक्यूज्ड अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वकीलों का काम ही होता है, और पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगी, और मैजिस्ट्रेट साहब तो बिल्कुल टॉप में बैठे हैं भाई, उनको तो फैसला ही देना, राजा साहब वही हैं वहाँ के। तो पुलिस को आपने FIR करवाई थी, FIR के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने वहाँ पे चालान पेश कर दिया, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट के बाद जज साहब ने इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया। इशू ऑफ प्रोसेस मतलब भाई आगे कार्रवाई बढ़ा दी उन्होंने। लेकिन भाई क्या हम डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भी, विक्टिम पूछ रहा होगा साहब से कि जी पुलिस नहीं सुन रही, क्या मैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास भी जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, जिसे हम कहेंगे कंप्लेन। भाई किसी कहते हैं ना कि इसकी कंप्लेन कर दो, ऐसी भाषा में पुलिस नहीं बात हो, आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हो। उसमें मैजिस्ट्रेट साहब एक इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद वो इशू प्रोसेस कर देंगे। उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ से भी हो गया। अभी है कि विक्टिम बेचारा नहीं बताना चाहता। विक्टिम उन लोगों से डरता है जो एक्यूज्ड हैं, वो दबंग हैं, उनसे डरता, नहीं बताना चाहता। तो एक तीसरा व्यक्ति, समाज सेवक है कोई बेचारा, अब वो कहता है कि जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, और वो मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाता और कहता है कि मैजिस्ट्रेट साहब विक्टिम के साथ ऐसा ऐसा हो गया। यानी कि मैजिस्ट्रेट साहब को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कहीं से भी मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन मिल गई, इन्फॉर्मेशन के बाद जज साहब इंक्वायरी कराएंगे, उन्हें लगता है इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, और इशू प्रोसेस हो जाएगी। इशू प्रोसेस के बाद क्या होगा भाई? आपका एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होता है, उसके बाद चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल चलता है, और ट्रायल के बाद आपकी जजमेंट आ जाती है। ये आपके पूरे क्रिमिनल केस की मैंने प्रोसीडिंग आपको समझा दी है। इसी के बेस पे आपको CRPC पढ़ना है। CRPC को हम तीन तरह से पढ़ेंगे।
तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ होगी जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, तो सीआरपीसी की तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है प्री ट्रायल, यानी कि ट्रायल से पहले का पूरा खेल। फिर होता है ट्रायल में क्या क्या होगा, और फिर पढ़ेंगे हम पोस्ट ट्रायल। उसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे कि भाई इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं कोर्ट की, बेल कैसे ली जाती है, अपील का प्रोविज़न क्या दिया गया है, प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है, देखिए, एक चैप्टर 5, चैप्टर 12 जो कि अरेस्ट की, चैप्टर 5 आपका अरेस्ट की बात करता है, चैप्टर 12 आपका किसकी बात करता है, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आता है चैप्टर 15, जहाँ कंप्लेंट से के थ्रू हम लोग काम करते हैं, यानी कि जज साहब के पास डायरेक्ट कंप्लेंट कर दी जाए। तो इस तरह से आपको सीआरपीसी का एक बेसिक स्केलेटन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो फर्दर वीडियोज हम लेकर आएंगे, वहाँ हम समझना शुरू करेंगे कि चीज़ें क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको यहीं बता देता हूँ हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑफेंस क्या होता है, मैं ग्लिम्प्स देता हूँ जो नेक्स्ट में हम पढ़ना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन एन ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है, लेकिन कहीं और भी दे रखा है, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में दे रखा है। यहाँ पे हम देखिए जब भी पढ़ेंगे तो तीन चीज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका सीआरपीसी, इन तीनों को हम कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। और इस जो वीडियो सीरीज हम चलाएंगे इसके बाद आपको तीनों के तीनों एक्ट क्लियर हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपको याद हो जाएंगे। ऑफेंस को समझा आपने, फिर आपने कहा कि भाई अभी आप कह रहे थे कि कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, फिर आपने कहा कि कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। देखिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है आपका, ये 2C में डिफाइंड है, कहाँ डिफाइंड है, 2C में डिफाइंड है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है जहाँ पे पुलिस वाले को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपको सीधा अरेस्ट कर सकता है। अब नॉन कॉग्निजेबल कहाँ पे है, फिर नॉन कॉग्निजेबल 2L में है। इसको याद करने का तरीका मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अच्छा जो तरीका आप सोच रहे हैं वही है, इसको अभी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि भी ये बेलेबल क्या है और नॉन बेलेबल क्या है। भाई नॉन बेलेबल क्या है, भाई जिसमें बेल नहीं हो सकती, बेलेबल जिसमें बेल हो सकती है। तो आपका जो बेलेबल है ये सबसे पहले यही डिफाइन किया गया 2A में, और नॉन बेलेबल भी 2A में ही है। यहाँ बता दिया इसने 2A में कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। फिर आप समझेंगे कि भाई कंप्लेंट क्या होती है, आपने अभी कहा कि कंप्लेंट हम पढ़िए, तो कंप्लेंट हम की दे रखी है 2D में। इसके बाद हम समझेंगे कोर्ट्स के बारे में, भाई कोर्ट्स कैसे होंगे। तो देखिए हमेशा नीचे से ऊपर चलते हैं, सबसे नीचे होगा आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको JMSC बोलते हैं। उसके बाद होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आपका होगा CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये आ जाते हैं आपके नॉर्मल कोर्ट में। आ जाता है आपका असिस्टेंट सेशन जज, उसके ऊपर आपका आ जाता है एडिशनल सेशन जज, और उसके ऊपर आपका आ जाते हैं सेशन जज, और सबसे ऊपर तो फिर आपका हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट से ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है। यानी अगर कोर्ट की हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाता है, और हाई कोर्ट के नीचे एक सेशन कोर्ट होती है। सेशन कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है सेटअप करना, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। सेशन कोर्ट के नीचे आपकी डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में फिर आपके ये लोग बैठते हैं, सेशन में आपके ये बैठते हैं, हाई कोर्ट आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे कि अगर हाई कोर्ट है तो वो कितनी सज़ा दे सकता है, अभी कोई भी सज़ा दे सकता है क्या, JMSC जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कौन सी पनिशमेंट दे सकता है, 1 साल से ज़्यादा की और 5,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं दे सकता, सेक्शन 29 पढ़ के देख लो, नहीं दे सकता वहाँ पर। ये जो है आपका ये 3 साल से ज़्यादा की सज़ा और आपका 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं कर सकता, इससे ऊपर का है तो इसको
सीजेएम के पास भेजना पड़ेगा, जो कि 7 साल तक की सजा दे सकता है। असिस्टेंट सेशन जज आपकी 10 साल तक की सजा दे सकता है। और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है, ये आपके जो है कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन उसे 366 में कंफर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। दे तो दोगे आप, लेकिन विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरह से कोर्ट की हायरार्की क्या होती है, ऑफेंस कैसे कैसे ट्रायल होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, पूरा हम सीआरपीसी में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सीआरपीसी है कैसे, और मुझे बताएं ज़रूर दोस्तों कि आपको ये वीडियो लगा कैसा, सीआरपीसी का बेसिक नॉलेज आपको मिला कि नहीं मिला इस वीडियो से। अगर मिला है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपका प्यार मिलेगा, तो मैं पूरा सीआरपीसी बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा अगली वीडियो सीरीज में। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर और आपके प्यार के ऊपर। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।